चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। बताओ क्या क्या कठिनाइयाँ आई और क्या क्या सीखा। चंदन बताओ। अच्छा किसका क्रॉस वाला वाटर उसमें अच्छा से फोकसिंग हो जाता। अच्छा मतलब जो आपने कागज के ऊपर क्रॉस बनाया वो अच्छे से फोकस हो रहा था और उसके ऊपर आपने पानी रख दिया तब भी वो अच्छा से हो रहा था, लेकिन उसके ऊपर जो सरफेस के लिए जो सॉडस्ट डाला है वो अच्छे से फोकस नहीं हो रहा था। ओके और भी लोगों का हो रहा था क्या? सर आपका ठीक आ रहा था, सॉडस्ट दिख रहा था ठीक ठाक। अच्छा तो दिया था क्या लाइकोपोडियम? अच्छा विच वॉज बेटर? अच्छा तो ये लोग जल्दी से फोकस कर पा रहे थे। अच्छा ओके और जिन्होंने किया है किसी का तो मैंने शायद दोनों से कराया है। अच्छा पाउडर से एक बार सॉल्ट नहीं अच्छा मिला फिर मैंने बोला इसको हटा के लाइक्रोबियम से धुंधला टाइप में रहता है। ओके 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 ठीक है ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम इनका फोकस करने में नहीं आ रहा है, इनका रीडिंग लेने में आ रहा है। देखो जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उसके अंदर में आपको रीडिंग लेना कठिन ज़रूर होता है, इसलिए कि उसमें कितने 20 डिविजन्स नहीं, कितने मेन स्केल डिवीजन कितने वर्नियर स्केल डिवीजन से मैच करते हैं? 19-20 है या 49-50 है? हाँ राइट, तो वो इतना कम है ना, देखो उसका डिफरेंस इतना कम है कि उसको आपको देखना रहता है कि कौन सी लाइन किस लाइन के सामने सामने है। तो शायद 6-7-5 लाइनें होंगी 10 लाइनें होंगी जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको लगेगा ये भी मैच कर रहा है ये भी मैच कर रहा है ये भी मैच कर रहा है ये भी मैच कर रहा है। ओके तो अगर ये दिक्कत है, पहचानने में दिक्कत है कि सब मैच ही करती दिख रही है मैं किसको काउंट करूं, एक ये प्रॉब्लम हो सकता है राइट। और उसके बाद बाकी जो प्रोसीड्योर है वो तो सेम है, प्रोसीड्योर जो है वो तो सेम है वर्नियर स्केल का, जो वो तो जो हम लोग नॉर्मल वर्नियर यूज़ करते हैं लेंथ नापने के लिए जो आपने आगे के एक्सपेरिमेंट में किया है उसमें तो उसके 10 डिवीज़न और उसके 9 डिवीज़न मैच करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तो पता चल जाता है कि अच्छा ये सबसे बढ़िया मैच किया हुआ है। कभी कभी यहाँ की उल्टी दिक्कत है, कभी कभी यहाँ लगता है कि कोई भी मैच नहीं कर रहा, जो हमारा ये वाला वर्नियर स्केल है जिससे हमने वो डेंसिटी निकाली है उसकी रॉड की, उस वाले वर्नियर स्केल की समस्या क्या होती है कभी कभी कि लगता है कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है। और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप वाले की समस्या लगती है कि 8-10 मैच कर रहे हैं। ओके तो होता ही यूँ है, एक वो ले लो ना जरा वर्नियर स्केल ही दे दो मुझे, तो इस पर करने के बजाय उसी पे बता देंगे। एक से ज़्यादा मैच कर सकते वर्नियर? नहीं नहीं, एक से ज़्यादा मैच नहीं करता कभी भी, एक से ज़्यादा कभी भी मैच नहीं करता है, लेकिन जो एक ने तो पक्का मैच किया, अब उसके बगल वाली जो लाइनें हैं दोनों उसमें थोड़ा फ़र्क होगा, वो कितना फ़र्क होगा दैट फर्क इज़ लिस्ट काउंट। कैसे पढ़ते हैं लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट कैसे डिफाइन करते हैं? वो गंदा डेफिनेशन है, वो गंदा डेफिनेशन है। आपका जो मेन स्केल है, अभी मैं उसकी थ्योरी बताता हूँ आपको, आपका जो मेन स्केल है उस पर जो कंसेक्यूटिव लाइंस हैं अगल बगल वाली जो लाइंस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वन मेन स्केल डिवीज़न राइट।
ये जो नीचे में ये मेन स्केल, इसको मेन स्केल कहते हैं ना, तो इसमें जो लाइनें बनी हैं अगल बगल की लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है वन मेन स्केल डिवीज़न। और ये जो वर्नियर का स्केल है यहाँ पे जो बना रहता है, इस पर जो खिसकने वाला ये पार्ट है, उस खिसकने वाले पार्ट पर बना रहता है ना, ये यहाँ पे बना रहता है जिसको खिसकाते हैं, तो इसमें जो अगल बगल की लाइन है और उसमें जो जितना डिफरेंस है, जितना लेंथ है, सेपरेशन है, उसको कहते हैं वन वर्नियर स्केल डिवीज़न। और ये दोनों थोड़ा अलग होते हैं, हाँ थोड़ा अलग होते हैं। इसमें यहाँ जो बनाया है वो तो एक एक मिलीमीटर के ऊपर बनाया हुआ है, एक सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स बने हुए हैं, तो एक एक मिलीमीटर पे 0.1 सेंटीमीटर पर है। लेकिन ये जो है इसमें इसके 10 डिवीज़न मिलकर के और मेन स्केल के 9 ही डिवीज़न के बराबर है, तो एक एक डिवीज़न जो इसका है वो छोटा हो गया ना थोड़ा, उसके बजाय थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि ये 9 मिलीमीटर में 10 डिवीज़न हो गए, वहाँ 9 मिलीमीटर में 9 डिवीज़न होते हैं। वो जो डिफरेंस है दोनों का, दैट इज़ लीस्ट काउंट, दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। ठीक है, तो एक तो आप ये ध्यान रखें, वो टोटल नंबर वगैरह से भाग, 100 से भाग दे दो, 10 से भाग दे दो, उसका कोई सेंस नहीं आएगा। वो आ जाएगा, वैल्यूज उतना ही आ जाएगा, लेकिन उसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं निकलेगा। तो ये जो दोनों के लेंथ्स में डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, जो आप पहले ही से कैलकुलेट करके रखते हो। तो क्या है कि मान लो कि हमने इसको कहीं पे खिसका दिया, कहीं पे खिसका दिया, तो इसका ज़ीरो जो है, इसका जो पहला शुरू वाला लाइन है जिसको ज़ीरो लाइन कहते हैं, वो दो के बीच में पड़ गया, मेन स्केल में दो के बीच में पड़ गया। ठीक है, तो अगर हमारा इस प्रकार का सिचुएशन आ गया है और हमने यहाँ पर ये हमारा ये ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, और फिर यहाँ पे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लाइन बने हुए हैं वर्नियर स्केल के, और ये हमारा मेन स्केल में एक डिवीज़न यहाँ है और अगला डिवीज़न यहाँ कहीं पर है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। तो ये इसको तो हमने पढ़ लिया सबसे पहले कि इतना तो है ही, इसके अलावा इतना और है, हाँ, जो हमने यहाँ पे लेंथ नापनी है मुझे, तो उसके लिए हमने जब इसको यहाँ पे फंसा दिया और कर दिया, तो ये कितना खुला यही पता करना ना, ये कितना खुला, वही तो लेंथ है ना, जब उसको फंसा देते हैं तो ये कितना खुला, तो जितना आपने खिसकाया, क्योंकि जब शुरू में यहाँ मिला देते हैं तो इसका जो ज़ीरो का लाइन है वो उसके ज़ीरो के लाइन के सामने होता है। तो अब यहाँ से हमने खिसकाया और इसका ज़ीरो लाइन 5.6 और 5.7 के बीच में चला गया, तो 5.6 तो है ही, अब उसके बाद जो जरा सा है उसी को नापना है, राइट? तो क्या होगा कि यहाँ पे ये ज़रा सा है, इतना इतना डिफरेंस है, लेकिन इसके डिविजन्स छोटे हैं और इसके डिविजन्स बड़े हैं, तो अगली लाइन पे जाओगे तो उतना ही डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इसके डिवीज़न छोटे छोटे हैं, इसके डिवीज़न बड़े बड़े हैं। अगर एक ही जितने डिवीज़न रहते तो जो यहाँ डिफरेंस है वही यहाँ डिफरेंस होता, लेकिन इसके छोटे हैं ना, ये थोड़ा इधर खिसका है, तो ये इससे जितना दूर है ये उससे कम उतना दूर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस जो है वो ये कम है, ये वर्नियर स्केल में कम डिस्टेंस है और यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ जितना फर्क है यहाँ उतना ही फर्क नहीं है, ये थोड़ा इधर आ गया है तो फर्क घट गया, और आगे बढ़ो तो और घट गया, और आगे बढ़ो तो और घट गया, और आगे बढ़ो तो और घट गया, और कहीं पर जाकर के वो फर्क ज़ीरो हो गया और ये कहोगे कि हाँ ये लाइन इस लाइन के ठीक ठीक सामने आ गई। ओके, अब ये जब आ गई यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम ये तो मिली हुई है, यहाँ से अगर हम जा रहे हैं तो ये इतना डिफरेंस है ना, ये वन लीस्ट काउंट है, वन लीस्ट काउंट है ना, वन मेन स्केल का डिवीज़न माइनस वन वर्नियर स्केल का डिवीज़न, तो दिस इज लीस्ट काउंट। फिर आगे बढ़ोगे तो ये यहाँ आएगा तो डबल लीस्ट काउंट हो गया, टू टाइम्स लीस्ट काउंट हो गया, यहाँ आए तो थ्री टाइम्स लीस्ट काउंट हो गया, यहाँ आए तो फोर टाइम्स लीस्ट काउंट हो गया। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है, अगर ये फोर्थ वाला मिलता है, 0, 1, 2, 3, 4th वाला मिलता है, तो दिस डिस्टेंस इज 4 टाइम्स लीस्ट काउंट।
क्योंकि ये यहाँ तो मैच हो गया, यहाँ जो है दिस इज वन टाइम्स लीस्ट काउंट, यहाँ टू टाइम्स लीस्ट काउंट, यहाँ थ्री टाइम्स लीस्ट काउंट, यहाँ फोर टाइम्स लीस्ट काउंट। इसलिए आपका क्या काम है कि फंसने के बाद, इसको फंसाने के बाद वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो किन दो लाइनों के बीच है उसको आप देख लो। उसका लेफ्ट वाला तो आप लिख ही लो पहले, जो भी है 5.6 3.4 जो है वो तो आप लिख ही लो, वो उसको कहा मेन स्केल रीडिंग। और उसके बाद कौन सा लाइन मैच कर रहा है उसका काउंट करो। वर्नियर का सबसे पहले शुरू वाला है जो उसको जीरो बोलो, अगले को वन बोलो, टू बोलो, थ्री बोलो, फोर बोलो, और देखो ये इसके ठीक सामने है क्या, नहीं, ये ठीक सामने है क्या, नहीं, ये ठीक सामने है क्या, हाँ। तो जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक सामने है, उसका काउंट कर लो खाली, कौन सी वाली, चौथी, पाँचवीं, सातवीं, दूसरी, दैट इन टू लिस्ट काउंट। वही वो जो छोटा सा जो बच गया था यहाँ पे, यहाँ जो बच गया था वो वही है, तो इसलिए उसको फिर ऐड कर देते हैं। ये ध्यान रखना, और इसीलिए लिस्ट काउंट का डेफिनेशन हमेशा आप उस डिफरेंस के टर्म्स में याद करना। उसका फिजिकल मीनिंग फिर आएगा। अब ये है कि जो हमारा ये एक्चुअल डिस्टेंस है यहाँ पे, हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, जो एक्चुअल डिस्टेंस आ गया ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट हो। ये ज़रूरी है क्या भाई? लीस्ट काउंट आपका कुछ निकल कर आ गया, मान लीजिए 0.01 सेंटीमीटर निकल करके आ गया, तो वो जो छूटा है थोड़ा सा डिस्टेंस जिसको हम मेज़र करना चाह रहे हैं वो 0.01 सेंटीमीटर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तभी तो कोई लाइन मैच करेगी ना। वो भी इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हुआ तो कोई भी लाइन मैच नहीं करेगी। तो ऐसा सिचुएशन तब आएगा कि आप इस लाइन को देख रहे हो तो आपको यहाँ नजर आ रही है, इसको देख रहे हो तो यहाँ नजर आ रही है, इसको देख रहे हो तो यहाँ नजर आ रही है, न ये मिल रही है न ये मिल रही है, और इसके इधर तो मिल ही नहीं रही है। वो डिस्टेंस कम होते 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 इतना आया, और उसके बाद और डिस्टेंस कम हुआ तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, तो कोई भी लाइन मैच नहीं कर रही है ऐसा। लेकिन तब हमारे आँखों की भी अपनी क्षमता है, 0.01 से भी छोटे में जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग बहुत आसानी से तो नहीं नाप सकते हैं, तो हमें कोई ना कोई तो दिखती ही है कि हाँ ये वाली मिल गई, तो जो बेस्ट मिल जाए उसी को आप पकड़ लेते हो। अब वहाँ जो लिस्ट काउंट है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप वाले स्केल पे, यहाँ अगर 0.01 है तो वहाँ उससे भी काफ़ी कम है, हाँ कितना था 0.001 है ना, उससे भी बहुत कम है। तब उतना कम में डिस्टिंग्विश करना कि ये वाली लाइन सामने सामने है कि ये वाली लाइन सामने सामने है वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये अगर सामने सामने है तो अगली वाली लाइन 0.001 सेंटीमीटर खिसकी हुई है, उसकी अगली वाली 0.002 सेंटीमीटर खिसकी हुई है, तो वो आँख से पता करना कि हाँ ये खिसकी हुई है ये बड़ा मुश्किल काम है। और इसलिए हमें पाँच छः लाइनें जो हैं वो दिखेगा, लगेगा ये भी ठीक है, 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 तो ये उसके अंदर में आता है। तो मैं क्या करता हूँ ऐसी स्थिति में कि मैं एक साइड से देखना शुरू करता हूँ, ये तो नहीं मिला हुआ है, ये तो नहीं मिला हुआ है, ये तो नहीं मिला, यहाँ तो हमें लग रहा है कि हाँ इसके सामने नहीं है। फिर जहाँ से मुझे लगना शुरू हुआ कि अब पता नहीं चल रहा है तो उसको मैं देख लेता हूँ कि अच्छा ये जो है 17th लाइन तक तो हमें दिख रहा है, उसके बाद 18th के बाद से पता नहीं चल रहा है। दूसरे साइड से आओ, दूसरे साइड से आओ, तो फिर आपको लग रहा है कि अच्छा ये 27th वाला तो बहुत उधर है, 26th का क्या हाल है, 25th का क्या हाल है, तो लग रहा है ओ 25th के मान तो पता ही नहीं चल रहा है, वो तो 25th वाला मिला हुआ लग रहा है, तो इधर से 18 वाला मिला लग रहा है, उससे 25 वाला मिला, आप बीच में ले लो उसके, आप उसके बीच में ले लो, तो ये डिफरेंस ये होगा क्योंकि उसका लिस्ट काउंट काफ़ी कम होता है, तो ये होगा, ठीक है। बट ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कैसे वो नपता है, क्यों हम कहते हैं कि काउंट करो कौन सी लाइन मिल रही है, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो, उसमें ऐड करो मेन स्केल के अंदर में, क्यों करते हैं वैसा, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे देन आपको तो करने में दिक्कत है, याद नहीं रखना पड़ेगा फिर कुछ भी, कोई आपको इक्वेशंस वगैरह कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूला से निकाला जाता है।